परिशिष्ट अपर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 2018-19 और 19-20 में जिस प्रकार से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को लाभ पहुँचाने का काम किया, लेकिन बिंदु संख्या दो में जब ये हाउसिंग बोर्ड लाभ में है और बिंदु संख्या दो में आपने कहा कि स्टाफ की कमी की वजह से इनको बंद करने का निर्णय लिया गया, जब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड लाभ में है और इसमें गरीब लोग आवास लेने के लिए प्रयास करते हैं, तो इसको लंबे समय तक चलाने के लिए स्टाफ की जो कमी है उसके लिए भर्ती के लिए क्या प्रयास है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कहा है कि विगत 2 वर्षों में कोई आवासीय योजना संचालित या प्रस्तावित या नहीं की गई है, और आपने बिंदु नंबर 4 में लिखा है कि कोटा संभाग में विगत 2 वर्षों में 102 विकलांग, 167 विधवा और 6129 निर्धन लोगों को आवास आवंटन किए गए हैं, तो इन दोनों में भिन्नता नजर आ रही है कि ये आवास पुराने थे और पुराने थे तो सरकार की एक योजना है जिसमें पत्रकारों को भी आवास देने की। प्रश्न पूछे आप बोले जा रहे हैं, प्रश्न आपका क्या है? 102 विकलांग, 167 विधवा, 6129 निर्धन दिए, इसमें भी क्या पत्रकारों को भी दिए गए हैं, और जो शेष पत्रकार बाकी हैं चाहे वो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कहीं की हो उनको देने के लिए क्या प्रयास है? कटा साहब एक साधारण बात, कटा साहब पूछ लो, एक मिनट। मंत्री महोदय, ये थोड़ा सा आपको या तो बोलने में चूक हुई है या क्या है, ये जो पैसा आप बोले हो ना कि 18-19 की राजस्व प्राप्तियाँ, ये 128.74 करोड़ है, 12,000 करोड़ नहीं है, ये लाख है फिगर, और ऊपर लाखों में लिख रखा है। हाँ, ऊपर लाखों में लिख रखा है। हाँ, इसी कह रहा हूँ, आप जो उसको करोड़ बोले ना, अच्छा, वो करोड़ नहीं है, करोड़ नहीं, लाख है, लाख लाख है, तो उसको फिगर को करेक्ट कर ले वापस। धारीवाल साहब जवाब, जवाब पाना चंद धारीवाल साहब, धारीवाल साहब करोड़ से तो लाख पे लिया है ये साहब, बात करोड़ों की हो रही थी और ये लाख पे लिया है। नहीं, ये तो करेक्ट किया आपको, ये करेक्ट लाख पे लिया है, करेक्ट किया आपको, ऐसे करेक्ट करते हैं क्या कि करोड़ से लाख पे लिया हो? आप दोनों के बीच में हम नहीं बोलते, आप तो करेक्ट होकर जवाब दे दो आप। माननीय सदस्य ने पूछा कि ये खंड जब पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी, पुनर्गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वहाँ पर इन दोनों जगह पर कोटा और बारा में कोई काम नहीं था, तो वो स्टाफ उठा करके जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर लगा दिया गया है, इसलिए ये जो पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन मैंने आपको ये एश्योर किया है कि पुनर्गठन आदेश की पालना होने पर भी इन स्थानों पर मंडल के उपखंड कार्यालय जारी जो है कार्य करते रहेंगे। नंबर 2, आपने पूछा कि 2 साल से जो है आवासीय योजना क्यों नहीं शुरू की गई, तो ज़मीन की उपलब्धता नहीं थी, 2 साल से कोई ज़मीन ही नहीं ली गई वहाँ पर, न बारा में है न कोटा में है, कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है यहाँ पर कि आवासीय योजना अब उपलब्धता के लिए कोशिश की जा रही है। नंबर 3, आपने पूछा कि कोटा संभाग में विगत 2 वर्षों में विकलांग वगैरह ये क्या है क्या है, तो ये इसकी फिगर में आपको ब्रेकअप दे देता हूँ कि निर्धन वर्ग कोटा संभाग में बूंदी में 332, कोटा में 617, झालावाड़ में 407, ये तो निर्धन वर्ग है। विकलांग को लो आप तो 11 कुल विकलांगों को मिला है, जिनमें बूंदी के 3, कोटा के 2 और झालावाड़ के 6 हैं। विधवाओं को लो आप तो विधवा 167 हुई, बूंदी 116, कोटा 19 और झालावाड़ 32, इन लोगों को जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न श्रीमती शकुंतला रावत, प्रश्न संख्या 94। काल चल रहा है, ट्रेजरी बेंचेस बैठी है, माननीय सदस्य ने आपके हुक्म पर नाम पर्सन पुकारा है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप मंत्री जी खड़े हो गए हैं, माननीय सदस्य सेम नहीं खड़े हो रहे ना, आप चिंता क्यों कर